फ्रेंड्स, रिधिमा ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं बैक डिजाइन बताने जा रही हूँ। देखिए, मैं ये 3 इंच के लिए हूँ। पूरा गला मैं पूरा ली हूँ 14 इंच का, 5 इंच का, 5.5 इंच का मैं शोल्डर ली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 3 इंच के मैं ली हूँ। 1 इंच के इसमें गोलाई दूंगी, फिर 1 इंच के यहाँ मार्जिन रखूंगी, इधर से भी 1 इंच का मार्जिन रखूंगी, यहाँ से मैं यहाँ का दूरी 9 इंच रखूंगी। 1 3 पर, फिर 3 पर, फिर 1.5 इंच पर मैं एक ट्रिक दूंगी, ऐसे करके इसको बीचों बीच मैं यहाँ देखिए, फिर 1.5 इंच के यहाँ मैं यहाँ से नाप लूँगी। इसके लाइन से मैं ले रही हूँ, आप लोग भी ले लीजिएगा। फिर यहाँ और इसमें कुछ नहीं है, ऐसे इसको मिला देना इस लाइन से। देखिए फ्रेंड, मैं इस डिजाइन को अस्तर पर बना रही हूँ, अस्तर वाला ब्लाउज। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी कपड़ा पर। देखिए, इसको मैं टाक ली हूँ सुई से पहले, ताकि खिसके नहीं। अब इस पर मैं सिलाई चलाऊँगी, स्टिच करूँगी ऐसे ऐसे। देखिए, मैं इस पर स्टिच कर ली हूँ। अब इसको बीचों बीच में काट दूँगी। काट के हमें इसको काट के उलट दूंगी। देखिए, मैं ऐसे से स्टिच कर दूंगी, कट लगा दूंगी। कट लगाने से देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको स्टिच करके फिर देखिए 1 इंच के मैं डिजाइन बनाने के लिए 1 इंच कपड़ा ली हूँ, रेड कलर का। 1.2 इंच है, मैं इसको पाइपिंग निकालूंगी, फिर डिजाइन बनाऊंगी इस पर। और लेस भी ली हूँ लगाने के लिए। देखिए मैं रेड वाला लगा दी हूँ। अब इस पर लेस लगा स्टिच करूँगी यहाँ। इस पर मैं लेस लगा दी हूँ। अब मैं एक बटन बनाऊँगी, कोई भी बटन एक ले लीजिए। अब 1.5 इंच का मैं ये कपड़ा ली हूँ, इधर से भी देख लीजिए, 1.5 इंच के इधर से भी, 1.5 इंच इधर से भी। इस बटन को यहाँ पर रख लीजिए, जो भी कपड़ा हो उसको छोटा छोटा कट कर लीजिए। इस बटन पर रख लीजिए ऐसे, फिर ऐसे कर लीजिए। इस बटन को गोल बना लीजिए और सुई लगा के इसको बांध लीजिए। देखिए, मेरा बटन तैयार हो गया।
मैं इसको सुई से टच करूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिजाइन बन के तैयार हो गया। सुई धागा के सहायता से इस बटन को मैं लगाई हूँ सब। देखिए एक बटन यहाँ भी लगाना है। मैं सुई से लगाई हूँ सुई बटन। देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिजाइन तैयार हो गया। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।